हेलो पब्लिक, वेलकम टू हैरीज व्लॉग। आज है 13th of April। मैं हूँ अभी बैंगलोर में। टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि व्लॉग कितना ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ से ट्रैवल किया था एमिरेट्स A380 में, तो आप लोगों को मैंने बोला था कि 15,000 लाइक करवा दोगे तो मैं बिजनेस में ज़रूर ट्रैवल करूँगा। तो आज मैं अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ही कमाल धमाल व्लॉग। 15,000 लाइक बोले थे मैंने पिछले वाले वीडियो में एमिरेट्स के, इस वाले वीडियो में डिमांड ज़्यादा है। आई वॉन्ट 30,000 लाइक्स। अगर हो जाता है 30,000 लाइक्स तो आई प्रॉमिस यू आई विल ट्रैवल इन एमिरेट्स फर्स्ट क्लास, एंड वो जो व्लॉग होगा वो आई थिंक इससे भी बेहतर होगा। ये व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल हैरीज व्लॉग्स। कोशिश कर सकते हैं, अभी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं 1,70,000। क्या इस वीडियो के बाद कैन वी मेक इट 2 लाख सब्सक्राइबर्स? जो भी देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, पहले घंटा बैठ के फ़ोन चार्ज किया, फिर अब जा रहा हूँ एमिरेट्स के काउंटर में। दिस इज़ बैंगलोर एयरपोर्ट एंड एमिरेट्स के काउंटर हैं जो खुल जाते हैं 1 बजे, 12:30 खुल जाते हैं। फ्लाइट हमारी है 4:45 को। ये काउंटर्स खुल गए हैं लेकिन हम ट्रैवल कर रहे हैं बिजनेस क्लास में, तो हमारे लिए लाइन वैसे भी नहीं होने वाली। ये व्लॉग एंड तक देखना, होटल तक, वहाँ जाके बताऊँगा ये बिजनेस क्लास A380 मैंने कितने में परचेज़ की है। मेरी लाइफ की, मेरी ज़िंदगी की सबसे महंगी टिकट है, सबसे महंगी। अब ये व्लॉग एंजॉय करो, बैठते हैं भाई। एंड दीज आर दी बिजनेस क्लास काउंटर्स। लेकिन हाँ, हमारे सामने भी कोई बंदा है। ये होगा हमारा हैंड बैगेज, ये होगा हमारा चेक इन बैगेज। या बोर्डिंग पास मिल गया फाइनली। और अगर आप एमिरेट्स बिजनेस से ट्रैवल कर रहे हो 40-50 केजी लेके जा सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। लाइन बिल्कुल भी नहीं थी, मुझसे रिटर्न टिकट मांगी और ई वीज़ा मांगा मेरा दुबई का। यस, हम जा रहे हैं UAE, कैपिटल इज अबू धाबी। पिछली बार मैंने गलती कर दी थी, मैंने गलती से दुबई बोल दिया था कैपिटल है। लोगों ने भाई साहब फसड़ मचा दी थी, फिर मुझे पिन कमेंट करना पड़ा कि मुझसे गलती हुई है। और कुछ भी नहीं पूछा दुबई के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। इमिग्रेशन डन, सिक्योरिटी डन। एक बात बता दूं, भले ही आपने एमिरेट्स का बिजनेस लिया हो, प्राइस में बताऊंगा आपको बाद में, पर तब भी अगर आप बैंगलोर से फ्लाई कर रहे हो एमिरेट्स में, तो प्रायोरिटी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी में भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से अगर फ्लाई करते हो या मुंबई से, तो वहाँ पर बिजनेस क्लास वालों के लिए सिक्योरिटी में भी प्रायोरिटी रहती है। एक चीज़ बता दूँ मैं, ये मेरे लिए एक सपने जैसा है, यकीन मानो सपने जैसा है। आज से 2 साल पहले जब मैं ट्रक्स पे वीडियो बनाता था, मेरे भी अपने स्ट्रगल्स रहे हैं लाइफ में। एंड जो इस हैरीज व्लॉग्स की जर्नी को फॉलो करता आ रहा है 2 साल से 3 साल से, वो जानता है कि मेरी जर्नी कैसी रही है सिंस द स्टार्टिंग ऑफ माय करियर ऑन यूट्यूब। सो जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मेरी लाइफ के लिए सबसे बड़ा वीडियो है। इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आप लोगों के बिना मैं ये वीडियो कभी भी नहीं बना सकता। तो दिल से थैंक यू उस एक एक बंदे को जिसने मुझे सपोर्ट किया, खासकर तब जब मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा था। ये ब्लॉग उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है, दोज हु सपोर्टेड मी इन माई बैड टाइम्स। चलते हैं बिजनेस क्लास लाउंज। तो अगर आपके पास बिजनेस क्लास टिकट है तो आपको बैंगलोर में ये लाउंज फ्री मिलेगा 100%। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बढ़िया होगा। बहुत कुछ होगा खाने पीने को गाइस। जैसे मैं लाउंज एंटर हुआ, उन्होंने पहले मेरा बोर्डिंग पास देखा। बोर्डिंग पास के बाद मुझे इन्होंने एक टैग दिया है, वो ये टैग दिया है। इस टैग में कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई है, मैं वाईफाई यूज़ कर सकता हूँ इस लाउंज में कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इंडियंस के लिए उतना खास नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी हमारा डेटा रोमिंग पैक है। स्पा भी है, लाइव किचन वगैरह भी है लाउंज के अंदर। एंड आई थिंक दिस इज़ बाय फार द बेस्ट लाउंज आई हैव एवर बी। यहाँ पे आई थिंक फाइन डाइनिंग वगैरह भी है लाउंज के अंदर। तो फिलहाल यहाँ कोई बैठा नहीं है। जो ये सेक्शन है ना, इट्स ओनली फॉर द फर्स्ट क्लास, मतलब अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करोगे तो उन्हीं के लिए। तो फ्रूट्स एंड डेजर्ट्स वगैरह तो आपको मिलेंगी, और यहाँ पे सब चीज़ें देख लो गाइस, ध्यान से स्क्रीनशॉट बना के देख लो क्या क्या है। काफ़ी कुछ है, काफ़ी डिफरेंट है। अदानी लाउंज गया था मैं टर्मिनल 2 में मुंबई में, उसके कंपैरिजन में है भाई ये। और प्रीमियम प्लाजा तो आसपास नहीं है इसके 100%। सो बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए ये है बार, जो आपने पहले देखा वो फर्स्ट क्लास वालों के लिए था। फॉर बिजनेस क्लास पैसेंजर्स वाइन अल्कोहल इज फ्री अनलिमिटेड। मैं इसी लाउंज में था एंड महिंता भाई आ गए, तो बस इनसे बातें कर रहा हूँ। ही इज़ फ्रॉम मणिपुर। तो ट्रैवलिंग यही होती है, मतलब यू नो यू मीट लॉट ऑफ न्यू पीपल, तो काफ़ी कुछ बता रहे हैं अपने बारे में। मैं बता रहा हूँ मैं कहाँ से हूँ। एक्चुअली जो ये स्पा है ना, ये सिर्फ एमिरेट्स, लुफ्तानजा, कतर एयरवेज के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आप बिजनेस क्लास लेते हो तो किसी और के साथ लोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। और हाँ, सिर्फ फुट मसाज है। स्पा एरिया जो है वो अलग है, ठीक है ना।
वहाँ से एंटर करते हो एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ये फ्री है। जस्ट डन विद द मसाज, इट वॉज एक्सीलेंट। और ज़्यादा कुछ मैं खा पी नहीं रहा हूँ, द रीज़न इज सिंपल, क्योंकि फ्लाइट में इतना कुछ मिलने वाला है, आपको पता नहीं क्या क्या का मैं रिव्यू दूंगा। स्पार्कलिंग वाइन के साथ रेड वाइन से लेके वोडका से लेके विस्की तक यू गेट एवरीथिंग। सो आप चाहो तो कुछ कुछ अपने टेबल पे भी मंगा सकते हो। तो मैंने ये प्लेन डोसा मंगाया है अपने लिए, तो आप चाहो तो आप भी मंगा सकते हो। तो हाँ, ये कुछ फीचर्स हैं इस लाउंज के। बाहर से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लग्जरी होगा। फाइनली लाउंज से बाहर आ गया, व्हाट एन एक्सपीरियंस। तो लास्ट टाइम बाय द वे एक बहुत बड़ी जो डिबेट चल रही थी मेरे कमेंट सेक्शन में, A380 सिर्फ बैंगलोर से नहीं मुंबई से भी चलता है, ये लोग कह रहे थे। A380 जो है जिस पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट। मुंबई से आप जाके देख लो, आपको एक भी A380 नहीं मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर A380 हैं तो वो एमिरेट्स के हैं, मुंबई से नहीं है। सिंगापुर एयरलाइंस है बट एमिरेट्स के A380 नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स द गेट 44। दुबई में ना हमको एक कार लेने आएगी, मतलब हमको टैक्सी लेने आएगी, और दुबई में होटल्स वगैरह जो है मतलब सब कुछ ऑलरेडी बुक्ड है। ये जो पूरा ट्रिप है UAE का प्लान किया है वेकेशंस क्लब ने, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप जाके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर आपको पूरी आइटनरी बनवानी है UAE की, तो मैंने उन्हीं से बनवाई है। इंडिया में भी कहीं भी ट्रैवल करना हो तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इन लोग आइटनरी क्रिएट करने में, काफ़ी सारे साल का एक्सपीरियंस है। जो स्पा का एक्सपीरियंस मिला मतलब लाउंज में, ये फर्स्ट टाइम था। इनफैक्ट कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल मैं बिजनेस क्लास में सबसे पहली बार कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड गाइज। और मैं बहुत ही देसी आदमी हूँ, और मैं कुछ का कुछ बोल जाऊँ तो मुझे जज मत करना। अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा सेकेंड फ्लोर, ये इकोनॉमी वालों के लिए। और अगर आप बिजनेस में ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ डबल डेकर एयरक्राफ्ट। बिजनेस क्लास जो है वो सेकंड डेक में है। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो ना तो मेक श्योर कि पासपोर्ट अपने साथ ही कैरी करो। जेब में रखा हुआ है मैंने पासपोर्ट। फाइनली बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट। भाई पासपोर्ट और बोर्डिंग पास यहाँ रख लेता हूँ, ये कार्गो मैंने नहीं खरीदी है, काफी काम की है। दिस इज A380 का बिजनेस क्लास, और एमिरेट्स का जो बोइंग 777 का बिजनेस क्लास है वो बहुत ही हेटेड है, लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन है 232 आई थिंक, सो नॉट श्योर, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1-to-1, पूरी प्राइवेसी मिलती है एंड इट इज सिमिलर टू फर्स्ट क्लास। एंटर कर रहे हैं, और ये सेकंड डेक है बाय द वे, दो फ्लोर्स हैं, तो दूसरे फ्लोर में हम जा रहे हैं। हमारी सीट है 25K। थैंक यू, हाय हाउ आर यू, आई एम गुड। दिस साइड, ओके थैंक यू। दिस इज 25K वेर आई एम ट्रैवलिंग एंड आई कैन नॉट बिलीव, मैंने सिर्फ व्लॉग्स में ही देखा था लोगों को ट्रैवल करते हुए एमिरेट्स में, आज पहली बार खुद ट्रैवल कर रहा हूँ, इट इज़ अनरियल, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एंड आई थिंक ये वाला व्लॉग जो मैं खुद बना रहा हूँ इसको देखूंगा बाद में, एंड देन आई विल बिलीव दैट येस आई हैव ट्रैवल्ड। ठीक है, ये सब छोड़ते हैं, एक एक करके फीचर्स देखते हैं। दिस इज़ A380 का बिजनेस क्लास, तो एक एक करके इंटीरियर देखते हैं। तो मेरी सीट है 25K, यहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्रीन का जो साइज है इट इज़ 3 times देन द इकोनॉमी। यहाँ पे जो है पूरा मैप आएगा, एंड दिस इज़ इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम एंड इट इज़ एज बिग एज अ PC। अगर कोई पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, उसके बड़ी जितनी यहाँ पे स्क्रीन है। दो दो विंडो शीट्स मिल जाती हैं, और ये विंडो शीट्स नॉर्मल नहीं है, जैसे हम इकोनॉमी में इसको बंद करते हैं ना, मतलब मैन्युअली, ये ऑटोमेटिक वाली विंडो शीट्स हैं। ये देखो, इफ आई क्लिक दिस आई थिंक अपने आप बंद हो जाएगा, चालू नहीं हुआ होगा बिकॉज अभी फ्लाइट जो है शुरू नहीं हुई। इसके अलावा यहाँ पे हमको हेडफोन्स वगैरह दिए हुए हैं, जिसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। लेग स्पेस तो आप पूछो ही मत, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। इसके साथ यहाँ पे बेडशीट वगैरह दी हुई है, और ये पूरा जो है ये पूरा बेड बन जाता है 180 degrees, तो आराम से आप सो भी सकते हो इफ़ यू वुड वांट टू। ये बेडशीट मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे सॉकेट्स वगैरह दिए हुए हैं, जहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, तो अपना फ़ोन एंड कैमरा मैं यहाँ से चार्ज करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे USB पोर्ट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे भी स्क्रीन दी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे पता भी ना हो, और मैं शायद बताऊँ भी ना। एयर इंडिया बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया है, विस्तारा में भी ट्रैवल किया है, बट इस लेवल का कुछ भी नहीं है। दिस इज सो कॉल्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस क्लास ऑफ ऑल टाइम। इससे लग्जरी आपको बिजनेस क्लास गाइस शायद ही कभी मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे बटन दिए हुए हैं, आई थिंक यहाँ से चाहो तो आप रिक्लाइन कर सकते हो। देखो, 3 type के बटन दिए। अगर आपको बैठना है तो ये बैठने का पूरा साइन बना है। अगर आपको थोड़ा सा रिक्लाइन करना है, और अगर आपको पूरे तरीके से सोना है, तो आप चाहो तो सो सकते हो। ये मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे पानी की बॉटल्स वगैरह दी हुई हैं, स्पार्कलिंग वाटर दिया हुआ है, जैसे स्पार्कलिंग वाटर एवियन का पानी दिया हुआ है,
बहुत ही एक्सपेंसिव पानी है गाइस, 300-400 का पानी होगा आराम से, और ये स्पार्कलिंग वाटर दिया हुआ है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पता नहीं कुछ कुछ दिया हुआ है, आई एम नॉट श्योर, बट एक बार जरा मैं खुद एनालाइज कर लूँ। यहाँ से दुबई है लगभग अराउंड 3 घंटा 50 मिनट दूर, अगर मैं टाइम पे बात करूँ। वी विल गो ओवर अरेबियन सी। थैंक यू। सो अभी हमको बोर्ड करने में टाइम है, अभी हमको ये हॉट टॉवल मिला है। इस हॉट टॉवल को यू कैन यूज़ इट ऑन योर फेस, जितनी थकावट है उसको निकाल सकते हो आराम से क्योंकि मैं बहुत देर से ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड दिस रियली वर्क्स। यूज़ करके आई कैन कीप इट हियर और बाद में जो है वो ले जाएंगे। अभी हमको एज अ वेलकम ड्रिंक हमको ये मिली है ऑरेंज जूस, एंड क्रू इज रियली फ्रेंडली। जो भी थंबनेल देख रहे हो ना, ये जो है क्रू ने लिया है। ट्राई टू आस्क हर नेम, अगर मैं उनका नाम पूछ पाया तो मैं बताऊंगा। अभी अभी मुझे मेन्यू सर्व हुआ है, तो अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो तो मेन्यू सर्व होता है, ऑफकोर्स आपको पता होगा क्योंकि आपने मेरे पुराने वाले व्लॉग्स देखे होंगे। लेकिन इसमें जो मेन्यू सर्व होता है ना, वो ना मतलब छोटा मोटा मेन्यू नहीं है। ये देखो, ये वाइन मेन्यू है, ठीक। अब ये वाइन मेन्यू कितना बड़ा है ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है शैम्पेन से, ठीक है। शैम्पेन को पलटाओगे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 टाइप की वाइन्स हैं। इटालियन, यहाँ पे पोर्चुगल, तो पोर्चुगीज वाइन है, इटालियन वाइन है, फ्रेंच वाइन है, 5-6 टाइप की वाइन है, जो चाहो मंगा सकते हो। ये जो वाइन्स होंगी इनका प्राइस मार्केट में आई थिंक बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, नॉट श्योर बट बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। तो ये वाइन्स है, एंड वाइन्स के साथ यहाँ पे हमको फूड मेन्यू मिला है। कसम से ऐसा लग रहा है कि भाई इंडियन कॉफी हाउस का मेन्यू दे दिया है, क्योंकि मेन्यू बहुत ही बड़ा है। मतलब देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और 3-3 लैंग्वेज में है, अरेबिक भाषा में भी, और यहाँ पे इंग्लिश में है ऑफकोर्स। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, 30,000 लाइक्स इन दिस वीडियो एंड मैं फर्स्ट क्लास वीडियो करूँगा एमिरेट्स में A380 का। रिमेंबर 30,000 लाइक्स। आपको याद होगा जब मैंने इकोनॉमी में ट्रैवल किया था, तब जो मैंने बताया था कि जो हेडफोन्स हैं वो मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी के थे। अभी जो हेडफोन्स है ना, दिस इज समथिंग लाइक नेक्स्ट लेवल, बहुत ही अलग लेवल के एंड हाई क्वालिटी वाले हेडफोन्स दिए हैं। बिफोर आई बोर्डेड द एयरक्राफ्ट मेरे को ये ब्लैंकेट ऑलरेडी पड़ी मिली सीट के ऊपर, एंड ये जो ब्लैंकेट है इसकी क्वालिटी भी 3 times बेटर है देन इकोनॉमी। ऑफकोर्स गाइस, जितना पैसा दिया है ये मैं आपको दुबई पहुंच के बताऊंगा, एंड जब आप सुनोगे मैंने कितना दिया है तो आप बोलोगे कि हाँ भाई वर्थ है, इतना कुछ अपग्रेड देना तो वर्थ है, क्योंकि यू पे गाइस मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, सीरियसली बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि मेरी लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव टिकट है। यहाँ पे पिलो भी मिलता है, ये पिलो की क्वालिटी जो है इट इज सम अनदर लेवल। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रॉम द फ्लाइट डेक इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आई हैव द प्लेजर टू बी योर कैप्टन टुडेस फ्लाइट। जॉइन मी इन द फ्लाइट डेक योरसेल्फ सर। आई ट्राई माय सेल्फ फ्रॉम पॉसिबल फॉर कंफर्ट फैमिली योर सेफ्टी फॉर टुनाइट। अब आप सोच सकते हो कि भाई ट्रेडेबल किधर है, इतना कुछ स्पेस देख लिया, प्राइवेट स्पेस देख ली, ये जो बिजनेस क्लास है आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब इतनी प्राइवेसी कहीं नहीं मिलेगी। ट्रेडेबल जो है ना यहाँ से निकलता है, दिस इज द ट्रेडेबल ऑफ A380। तो ये रही मेरी सीट, इसमें देख सकते हो कितने सारे बिजनेस वाले कैबिन्स हैं। ऑफ कोर्स गाइस, दिस इज लाइक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट, और बिजनेस क्लास इसमें बहुत सारे मतलब सीट्स जो बोल सकते हो। एंड यहाँ से निकल के इस साइड आओगे ना, यू विल सी बार काउंटर, दिस इज अ बार काउंटर। टेक ऑफ के बाद दिस विल अनरोल एंड आपको बहुत सारी यहाँ पे वाइन्स विस्की वगैरह दिखेगी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन देख लो फिर से, 1, 2, 1। मेरे को जो फ्लाइट टिकट्स मिल रही थी बैंगलोर से, हैदराबाद से, एमिरेट्स की बिजनेस क्लास की, कंपेरेटिवली सस्ती मिल रही थी। जो मैंने अभी ली है वो मैं रेट बताऊंगा आपको बाद में, कम से कम 15,000 सस्ती मिल रही थी, 15,000 रुपये सस्ती मिल रही थी, बट मैंने फिर भी नहीं ली क्योंकि मैं बता दूं जो बोइंग 777 का बिजनेस क्लास है एमिरेट्स का, कॉन्ट्रोवर्शियल है, काफी लोगों को पसंद नहीं आता, बट जो A380 का बिजनेस क्लास है दैट इज लाइक सुपर हिट, मतलब वो वर्ल्ड में बेस्ट है। तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बेस्ट ही दिखाऊं, बेस्ट ही कंटेंट दिखाऊं। मैं चाहता तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता था 777 का दिखा के और कुछ पैसे बचा भी लेता, बट
मेरे को लगा कि यार अगर मैं कर ही रहा हूँ तो पब्लिक को क्यों ना बेस्ट दिखाया जाए। अगर आप ये प्रेस करते हो ना तो ये रीडिंग लैंप्स चालू हो जाते हैं, इफ आई प्रेस दिस तो ये लाइट शुरू हो जाती है, जहाँ से आप पानी या स्पार्कलिंग वाटर पी सकते हैं। यहाँ पे ग्लास वगैरह भी दिया है। तो आफ्टर द टेक ऑफ हम ये सब चीजें ट्राई करने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स जो फूड आएगा उसको भी ट्राई करेंगे। We are finally taxiing towards the runway. IFS control करने के लिए यहाँ पे एक रिमोट भी दिया हुआ है। तो एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था अपना अडैप्टर, काम नहीं कर रहा था। जो होस्टेस थी वो देख रही थी बार बार, फिर वो खुद ही आई, उन्होंने मुझे कुछ एक कन्वर्टर दिया, ये देख रहे हो ना कन्वर्टर, इसको मैंने लगाया एंड देन अपना मैंने फिर चार्जर लगाया एंड नाउ इट्स वर्किंग एक्चुअली। और अभी अभी हमको ये मिला है सॉक्स एंड आई शेड, इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये आई शेड ही हैं, तो इसको पहन के बिल्कुल सो जाने का। यहाँ पे सॉक्स भी दिए, तो हाँ इस सॉक्स की क्वालिटी टॉप नॉच है। तो कैमरा लगा होता है एयरक्राफ्ट के बाहर एंड उसके थ्रू आप देख सकते हो कि बाहर क्या चल रहा है। सो वी आर टैक्सिंग टुवर्ड्स द रनवे। वी फाइनली टुक ऑफ, ये अपने आप बंद हो गए। अच्छे मुझे इसको खोलना है, ठीक है ना, तो मैं इसको प्रेस करूंगा। ये देखो कमाल की चीज है ना, ओ हो भाई साहब, एपिक एपिक भाई। अब इसको मुझे बंद करना है तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ये बंद हो गया, लाइट्स बंद हुई हैं कुछ टाइम के लिए। और ऊपर ये स्टार का रिफ्लेक्शन देखो पूरे प्लेन में, कमाल का लग रहा है। मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप कोई प्लेन में फ्लाई कर रहे हो। दिस इज द वॉशरूम ऑफ A380 बिजनेस, जैस्मीन वगैरह लगे हुए हैं अंदर। और ये परफ्यूम देख सकते हो, ये बहुत ही कोई लग्जरी ब्रांड है। एक परफ्यूम जो है कम से कम 25-30 हजार की है, ये वन ऑफ दी लग्जरी परफ्यूम जो मैंने बहुत बार लोगों से सुना है। यहाँ पे टैप दिया है, ये सेंसर है, टिश्यू पेपर्स हैं, ये सब तो बहुत ही कॉमन है। ये पूरा शीशा दिया है जहाँ पे आप अपने आप को देख सकते हो, नॉर्मल इकोनॉमी में ये सब चीजें नहीं दी होती। और यहाँ पे भी टिश्यू दिया है, तो तीन तीन जगह टिश्यूज दिए हैं। और यहाँ पे ये डेंटल किट वगैरह भी है गाइस, हैंड क्रीम वगैरह भी दी हुई है, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। और यहाँ पे वाइप्स वगैरह दिए हुए हैं, टॉवल वगैरह भी दिए हुए हैं, चाहो तो टॉवल वगैरह यूज कर सकते हो। 30,000 लाइक इन दिस वीडियो एंड हाँ, फर्स्ट क्लास ऑफ एमिरेट्स आपके सामने होगा। विंडो सीट भी है बाथरूम के अंदर, दिस इज द बार एरिया, वहाँ पे मेरी सीट है और यहीं पे बार है। यहाँ पे बैठ के आप अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो। एंड अभी मैं ले रहा हूँ शैंपेन, और इस शैंपेन का मजा आराम से उठा सकते हो इस बार में। एंड एवरीथिंग इज अनलिमिटेड शैंपेन के साथ साथ यहाँ पे केक्स वगैरह भी हैं, क्रोजॉन वगैरह भी हैं, एंड जितने चाहो ले सकते हो, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे ये ब्राउनीज वगैरह भी दी हुई हैं, मतलब क्या क्या ही ट्राई करो। द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे टेलीविजन चल रही है, एंजॉय करते करते आप टेलीविजन का भी मजा ले सकते हो। एंड यहाँ पे चीजें पड़ी हैं, ये भी एंजॉय कर सकते हो। एंड यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी हैं, फ्रूट्स के साथ साथ यहाँ पे डोनट वगैरह भी हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, जो शायद आपने पहले कभी ट्राई ना किया हो। मैं इनसे बात कर रहा था, आई एम टॉकिंग टू द क्रू, तो क्यों कह रहे हैं कि लाइक इफ आई ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास तो वहाँ पे स्पा भी है एंड शावर भी है। शावर का मुझे पता था बट आई डिड नॉट नो अबाउट द स्पा। बेसिकली द फ्लोर जो है ना, फ्लोर इज बीइंग हीटेड, फ्लोर गर्म रहता है, तो वो आपको फुट में मसाज मिलती रहती है। दिस इज समथिंग डिफरेंट अबाउट फर्स्ट क्लास। 30,000 to 40,000 लाइक्स इन दिस वीडियो एंड आई एम ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास। मैं ट्राई कर रहा हूँ चॉकलेट ब्राउन, काफी ज्यादा डिफरेंट है, ये ग्लूटेन फ्री है, तो हाँ फैट फ्री है ये बेसिकली। इतनी सारी चीजें ट्राई करने को, मुझे पता नहीं मैं क्या ट्राई करूंगा। और ब्रेकफास्ट अभी एक घंटे में आएगा, तो तब तक हम ये ब्राउनी ट्राई करते हैं। एंड ऑफकोर्स दिस इज 10/10, मुझसे रेटिंग मत पूछना इसमें, एवरीथिंग इज 10/10। ऑल्सो आप चाहो तो कस्टमाइज ड्रिंक्स बनवा सकते, जो आप इनको बोलोगे वो बना के दे देंगे भाई, दैट्स हाउ इट इज। और एक और चीज, अभी यहाँ पे ना IPL वगैरह चल रहा था, ये प्रेस करके अपने बेड को कर लिया है 180 डिग्री सेल्सियस। लेग स्पेस तो आप पूछो ही, इधर तक मेरे पैर जा रहे हैं। मैं चाहूँ तो अपनी सॉक्स भी चेंज कर सकता हूँ, बट मैं सॉक्स फिलहाल चेंज नहीं कर रहा। एंड ये ब्लैंकेट ओढ़ के फिलहाल सोच रहा हूँ 15-20 मिनट का नैप ले लेता हूँ, एंड देन ब्रेकफास्ट आ जाएगा। और अभी फिलहाल हमारा एल्टीट्यूड है 10,000 मीटर्स अबव द सी लेवल। All this passion hurts me, I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something, I don't wanna be nothing. अभी भी ब्रेकफास्ट आने में एक घंटा है, जब तक ये दूसरी चीज ट्राई करते हैं। बार वापस खुल गया, अभी एयर टर्बुलेंस आया था, टर्बुलेंस आया और हम लोग यहाँ बैठ गए। और यहाँ पे भी सीट बेल्ट का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे भी लैंप लगा हुआ है, तो अगर बाय चांस आप बार में हो और टर्बुलेंस आ जाए तो यहाँ पे बैठ सकते हो।
बार में ना प्लेट्स वगैरह भी मिल जाती है, पे लेके आप एक क्रूजॉन वगैरह खा सकते हो। ये तो 24/7 अवेलेबल है। अभी मैं ना एक नए फ्रेंड से मिला, मैंने उनको बताया मेरा इंस्टाग्राम एंड ऑल। अभी हमारा ब्रेकफास्ट आने वाला है और सुबह के टाइम बता दूं मैं आपको। थैंक यू सो मच। ब्रेकफास्ट आ चुका है और इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, सभी कुछ डिफरेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या यू कैन जस्ट पुट सम कॉफी, या लिटिल बिट ऑफ मिल्क, शुगर फ्री, डू वी हैव शुगर फ्री? यस सर। ओके थैंक यू सो मच। ये स्ट्रॉबेरी जैम दिया है इन्होंने, ठीक है? यस यस। ओके तो ये रहा स्ट्रॉबेरी जैम, ये है योगर्ट, और ये जो कंपनी है ये दुबई की कंपनी लग रही है मुझे, ब्लूबेरी योगर्ट। इसके अलावा ये है फ्रूट जिसमें मुझे स्ट्रॉबेरी दिख रहा है, पाइनएप्पल दिख रहा है, ग्रेप्स दिख रहा है, फिलहाल तो मुझे ये दिख रहा है, बाकी और दो तीन और होंगे। ये है क्रोसॉन, ये है पराठा जो कि बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट दिख रहा है। ये है सांबर, ये है इडली। एमिरेट्स में भी इन्होंने मेंटेन किया है साउथ इंडियन क्विजीन। इसके अंदर आलू, मैश्ड आलू दिख रहे हैं मुझे इसके अंदर, एंड ये है सांबर और ये मुझे लग रहा है उपमा, ठीक है ना? दिस इज आवर ब्रेकफास्ट, एक एक करके टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं भाई कैसा है। एक चीज देख लो, कटलरी लाने का तरीका कितना डिफरेंट है। एक्चुअली ये नैपकिन में रैप की हुई है कटलरी, इसके थ्रू इन्होंने बंद की हुई है। स्टार्टिंग ऑफ विद सांबर, देखते हैं भाई ये सांबर कैसा है। बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है, नो डाउट दिस सांबर इज डिलीशियस। आपको लगेगा ही नहीं कि आप साउथ इंडिया से बाहर हो, इट इज अमेजिंग, 10/10। ट्राई करते हैं ये उपमा, not required as of now, we'll let you know if required. This upma is 10/10 once again. Exactly upma nahi hai, something related to upma bol sakte ho isko. Aur ye idli jaisa dikh raha hai but idli thoda different hai. To haan, iske andar thode se mashed aloo hain. Try karte hain ye, dekhte hain ye kaisa hai. गाइज ये सांबर इतना बढ़िया है ना, कोई और चीज बढ़िया हो ना हो इसके साथ खाने पे बहुत अच्छी लग रही है। I think it's set dosa. It's a sort of dosa. I don't exactly know what it is being called, but हाँ बहुत बढ़िया है। तीनों चीजें 10/10 के लायक हैं और ये पराठा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, आई थिंक इसको सांबर के साथ भी आप खा सकते हो। एंड ये क्रोजॉन, आई थिंक प्लेन क्रोजॉन नहीं होगा, ट्राई करते हैं ये क्रोजॉन कैसा है। दिस इज बटर क्रोजॉन और भाई साहब इतना ज्यादा सॉफ्ट है, इतना ज्यादा लगे ना कि फ्लाइट में रखा हुआ था, क्रेजी। ट्राई करते हैं ये स्ट्रॉबेरी, देखते हैं स्ट्रॉबेरी कैसी है। कम्प्लीटली फ्रेश, अगेन 10/10। इसके अंदर ऑरेंजेस भी हैं, मैंने देखा नहीं, ऑरेंजेस भी हैं, प्योर ऑरेंज दिया है इसके अंदर, सीड वगैरह नहीं है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ट्राई करते हैं ये ऑरेंज, देखते हैं कैसा है। वेरी फ्रेश, और यहाँ पे इन्होंने बटर भी दिया है और बटर देने का तरीका टॉप नॉच है। सॉल्ट पेपर अगर आपको डालना हो तो आप यहाँ से डाल सकते हो। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट क्लास कैसा होता है A380 का। जब आप 30-35,000 लाइक करा दोगे ना सोली वीडियो में तब मैं भी ट्रैवल करूँगा, पर मैं दिखाता हूँ होता कैसा है। सो दिस इज एमिरेट्स A380 फर्स्ट क्लास। सो आई मेट अ फ्रेंड, मेरे एक नए फ्रेंड बने, उनका नाम है उजस्वी एंड ही इज़ फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। दिल्ली का मुंडा है लेकिन रहता सैन फ्रांसिस्को में। भाई से बहुत बातें हुई है एंड भाई ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, तो देख लो ये फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे आईपैड दिया हुआ, यहाँ पे स्क्रीन देख लो, आई थिंक इट्स लाइक 5 times मोर देन इकोनॉमी, आई थिंक 2 times मोर देन बिजनेस। ये एयर मास्क वगैरह दिया हुआ है, आई श्योर सीट ज्यादा कम्फर्टेबल है, लेग स्पेस 2 times ज्यादा है बिजनेस से। ये कुछ फैंसी तरीके से निकलती है, हालांकि बिजनेस में भी आपको एवियन की बॉटल और पेप्सी वगैरह या फिर ये सब चीजें मिल जाएंगी, फिर प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगी। यहाँ पे कुछ चाहो तो बैग वगैरह रख सकते हो एंड यहाँ पे मिरर वगैरह भी है। वी आर अबाउट टू क्रॉस मस्कट एंड अभी हम जो है गल्फ ऑफ ओमान में एंटर करने वाले हैं। वहाँ पे लैम्प भी लगी है एंड यहाँ पे भी लैम्प लगी है। दिस इज एमिरेट्स फर्स्ट क्लास, अगर चाहते हो मैं इसमें ट्रैवल करूँ तो आपको पता है कि क्या करना है, और हाँ कमेंट भी करना, बताना है कैसा लगा आपको। तो मैं ये बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, और ये बंद हो गया। जिनकी सीट है वो बाहर रह गए। और अगर आपको खाना खाना है तो इस पर प्रेस करना, ठीक है, और इसको खोलना है तो आप इस पर प्रेस करना, इस खोलना है तो इसको प्रेस करना, बंद करना है तो इसको प्रेस करना। ब्रो मैं इनको बता रहा हूँ कि जिनकी सीट है वो बाहर ही रह गए।
जिसकी सीट है वो बाहर रह गए। अगर इफ यू वांट नोबडी टू डिस्टर्ब यू तो यहाँ पे आप डीएनडी का ऑप्शन भी दबा सकते हो। दिस इज फर्स्ट क्लास, मजा आया ना गाइस, दिस इज लाइक अ ड्रीम, दिस इज द बेस्ट यू कैन एवर ट्रैवल एट 40,000 feet। क्योंकि ये A380 है तो नीचे जाओगे तो इकोनॉमी पहुंच जाओगे। एंड दिस इज द वॉशरूम, दिस इज द शावर ऑफ A380, वो ऑक्यूपाइड था। ओ भाई साहब, ये आपको लग रहा है ना कोई 5-star होटल का बाथरूम है, और यहाँ पे हैंगर वगैरह भी दिया है। टॉयलेटरीज तो देखो, ऐसा लग रहा है कि मैं ताज में हूँ। एंड दिस इज द शावर एरिया जहाँ पे आप शावर कर सकते हो। एंड आई थिंक पानी का टाइमर वगैरह भी है वहाँ पे, क्रेजी। एक तरफा मिरर है और नहाते नहाते देख सकते हो कि अभी कहाँ पे चल रहे हो। प्लेन के अंदर है ये वॉशरूम, बाहर चलते हैं। और हाँ, इसको बंद करोगे तो लाइट शुरू हो जाएगी, तो मैंने इसको बंद किया ना तो पूरी लाइट शुरू हो गई यहाँ पे। एंड यहाँ से इसको घुमाओगे तो पानी शुरू हो जाएगा। शावर ऑन ऑफ का ऑप्शन है, हैंड शावर प्लेन के अंदर। 40,000 लाइक्स और मैं इसमें शावर ले रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ज्यादा ही टर्बुलेंस है फॉर सम रीजन। It's time to say goodbye to this place. अभी जा रहा हूँ मैं अराइवल्स के लिए, और अभी मुझे टेक्स्ट आया, व्हाट्सअप आया, मतलब जो ड्राइवर मुझे लेने आए हैं। एंड दैट हैज बीन अरेंज्ड बाय वेकेशंस क्लब। लास्ट टाइम जैसे नहीं जैसे मैंने वॉक किया था, इस बार सब कुछ अरेंज है। बट एज यू नो दुबई एयरपोर्ट इज ह्यूज। फिर लास्ट टाइम आया था दुबई, जो थोड़ा आइडिया हो गया है। तो हाँ, वो मेट्रो देख रहे हो, वो जाके पकड़नी है। और जितने भी नए लोग हैं ना, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, सारे के सारे कन्फ्यूज जाते हैं, उनको समझ नहीं आता भाई अराइवल्स के लिए इतना ज्यादा चलना पड़ता है। तो मैं तो भूल ही गया था कि मैं बिजनेस क्लास में आया हूँ, और मेरा बैग सबसे पहले आ चुका है। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। ये रहा मेरा नाम, दिखा नहीं था। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। फाइनली एयरपोर्ट के तो बाहर आ गए। और लास्ट टाइम आपको याद होगा, यहीं से मैं पूरा वहां आगे तक वॉक करके गया था। तो इसमें जाएंगे हम अपने होटल। थैंक यू। तो हम अपने होटल आ गए हैं अभी फिलहाल। मतलब लोग कह रहे थे कि काफी गर्मी हो गई दुबई में, लेकिन फिलहाल अभी उतना गर्म मौसम नहीं है। तो रूम आ गया था मैं, और अभी दुबई टाइम पे हो रहा है लगभग अराउंड 2:30 PM इन द आफ्टरनून। बाहर बहुत गर्मी है। आप सब लोगों का एक ही सवाल होगा कि हैरी भाई, ये टिकट आपने कितने की ली? सो ये टिकट मैंने ली है 70,000 INR की। वैसे 75,000 की थी, बट मैंने ली 70,000। एक और चीज बता दूं कि ये जो 70,000 की टिकट है, कल के दिन ये सेम टिकट 1,30,000 की थी। परसों के दिन ये सेम टिकट 1,50,000 की थी। नेक्स्ट वीक सारे दिन ये टिकट 1,00,000 के ऊपर ही थी। पहले मेरा मन किया कि मैं इसको बिड करा लेता हूँ। मैंने पहले इकोनॉमी खरीदा जो कि था 17,000 का। मेरे को लगा कि चलो इसको अब अपग्रेड कराते हैं बिडिंग में। एमिरेट्स में बिडिंग नाम की चीज कुछ नहीं होती, तो मैंने उनको कॉल किया। तो वो कहते हैं कि जो अपग्रेड प्राइस है, अगर आपको अपग्रेड लेना है, वो है 1,04,000। मैंने कहा कि यार ये तो क्या बेवकूफी है कि मैं इकोनॉमी के पैसे दे चुका हूँ, मतलब डिफरेंस अमाउंट भी नहीं, आपको सीधा 1,00,000 देना पड़ेगा अगर आप इसको बिड कराते हो। जाते हो खरीदने के लिए डायरेक्टली बिना बिडिंग के, तो 70,000। फिर मैंने उनको बोला कि भैया आप कैंसिल करो टिकट, पूरे पैसे मेरे को वापस करो, 1,000 रुपए मेरे कट गए उसमें, जो एयरलाइन चार्जेस थे, हल्की सी कन्वीनियंट फी थी। रिफंड आया, एंड देन मैंने यहाँ पत्थर रखे। मतलब मैं क्या बताऊं गाइस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टिकट्स ऑफ माय लाइफ। 70,000 INR की टिकट फ्रॉम बैंगलोर टू दुबई इन बिजनेस क्लास A380। एक ही बात बोलूंगा, जो इंसान अगर मेहनत करना जानता है, ऑनेस्टली आगे बढ़ना जानता है, तो ऊपर वाला और भगवान भी उसके साथ चलते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ ना पब्लिक, कसम से आप भी कर सकते हो। ये इसको एज अ मोटिवेशन लेना अपनी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो गाइज। ऑल्सो मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके फटाफट कर लो, क्योंकि वहां सब कुछ स्टोरीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।